प्लीज़ एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल माई किचन टेस्टी डिशेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ चिकन 65 बिरयानी। और चिकन 65 बिरयानी के लिए मैं ली हूँ 1/2 kg बोनलेस चिकन और बासमती राइस लिए 1/2 kg, 1/2 kg बासमती राइस और इसको वॉश करके रख दी। क्यों बोल तो ये बोनलेस चिकन 65 चिकन बिरयानी है, इसमें ज़्यादा मैरिनेशन के लिए टाइम नहीं लगता। चलिए चिकन को मैरिनेट करेंगे 65 के। सबसे पहले 65 चिकन को मैरिनेशन करके रख देंगे। 2 teaspoon फ्लैटली में फुल नैली नमक, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon लाल मिर्ची और 1 teaspoon अदरक लहसुन, और ये 1 teaspoon है ज़ीरा धनिया का पाउडर, रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेंगे और इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर और 1 tablespoon मैदा, और इसमें डालेंगे 1 अंडा और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे 65 का रेड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन ये 65 बिरयानी है तो डालने पर अच्छा लगता है। चलिए इसको मैं हाथ से अच्छे से लगा ली और इसको ढक के यहाँ बाजू रख देंगे। अब दूसरे प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। चलिए मैं पैन रख दिया और डीप फ्राई प्याज के लिए तेल डाल दिया, तेल गर्म होगा और प्याज है 2 बड़े साइज के डाली। प्याज ली गई 2 डलियाँ और बड़े साइज के। तो बिरयानी की प्याज की तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए हमारी प्याज तैयार हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई, निकाल लेंगे। चलिए चिकन एक 10 से 15 मिनट मैरिनेशन में था, अब इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज निकाले, ये तेल में 65 के फ्राई करेंगे। एक एक पीस को गैप रखते हुए डालें। चलिए एक साइड फ्राई हो गई, इस साइड को पलटेंगे। तेल गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई होने इसको निकालते हैं। ये बिरयानी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनती है, इसमें गोश्त गलाने की ज़रूरत नहीं रहती, फटाफट बन जाती। अब बिरयानी के रखने की तैयारी करना है। ये ऑयल बड़के है, आधा ऑयल निकाल लेंगे और आधा ऑयल निकालेंगे बिरयानी के दम पे डाल सकते हैं इसको। चलिए 1 teaspoon फुल अदरक लहसुन,
चलिए अदरक लहसुन कच्ची स्मेल चलेगा। अब इसमें दही डालेंगे, दही है 150 ग्राम। फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर। धनिया जीरा रोस्ट किया हुआ है। अखनी में डालेंगे कोथमीर और पुदीना बारीक कटे हुआ और हरी मिर्च 3 बीच से कट करी हुई, 1 लेमन मीडियम साइज के, 1 लेमन का जूस। ये अखनी का जो ग्रेवी है थोड़ी ड्राई हो गई, छोटे कप से थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें और इसमें डालेंगे लेमन का जूस और हरा धनिया और फ्लेम को तेज रखेंगे और ये 65 इसमें डाल देंगे और थोड़ी जो बिरयानी की प्याज फ्राई करके रखे थे इसको क्रश करके डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज दम पे लगाने के लिए रखेंगे। अब इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको ये जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे, इसमें से ऑयल छूटने तक ड्राई कर लेंगे। चलिए हमारी ग्रेवी पक गई, इसमें से ऑयल छूट गया और बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, थोड़े हल्के से ग्रेवी है, इतने रहना। ग्रेवी और लूज़ रहना, हल्के से बिल्कुल ड्राई नहीं और पानी भी था सो छूटा और तेल भी, पानी सूख गया और तेल इसमें से छूटा और फ्लेम को बंद करके इसको ढाप कर साइड में रख देंगे। चलिए मैं अदहन का पानी रख दी। अब इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून नमक और इसमें कटे हुआ कोथमीर पुदीना बारीक कटे हुआ और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शाह जीरा, 4 लौंग और 4 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े एक एक इंच के। अब इसको ढाप कर इसका उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। चलिए उबाल आ गया, अब चावल डाल देंगे। चलिए चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसको एक बार मिला लेंगे और फ्लेम को तेज़ रखना। बिरयानी का चावल जब पकाते तो फ्लेम को धीमा नहीं करना, तेज भी पकाना। इसको ढाप के उबाल का बॉईल का फर्स्ट बॉईल का इंतज़ार करेंगे। चलिए हमारा चावल बनके तैयार हो गया, चावल बना 80%। अब इसको छान के निकाल लेंगे। चलिए चावल आधा छान के निकाली, में आधा चावल है, इसमें ग्रेवी अखनी डालेंगे। इसमें से मैं थोड़े से चिकन के पीसेस थोड़े से अलग निकाले सर्व करते वक्त डालने के लिए। देखिए 65 को मैं थोड़ा सा ग्रे आखने को थोड़ा सा मैं ढीला रखी, लूज रखी। की ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई नहीं करी, हल्का सा लूज रखी मसाले को और जो आधा चावल अलग रखे थे वो डाल देंगे इसमें से। चलिए इसके ऊपर से अब डालेंगे प्याज और डालेंगे हरा मसाला कटे हुआ। जो प्याज फ्राई करे सो ऑयल था आधा जो निकाले थे अखनी बनाने से पहले, आधे की अखनी बनाए आधा निकाली, ये ऊपर से डाल लेंगे और फूड कलर ऑरेंज फूड कलर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते या चाहे तो स्किप कर सकते। अब चूल्हा सिलगा दी में स्टार्ट हो गया। अब इस पर चावल का भगोना, बिरयानी का भगोना रखें, फ्लेम को रखेंगे
मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। छोटा सा पैन रखे में इसमें हरी मिर्ची और करियापा को तल के निकाल लेंगे। और जो चिकन रखे थे उसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर रखी थी, 5 मिनट हो गए। अब ये भगोना हटा दे के आयरन का तवा डाली, आयरन के तवे पे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। आयरन का तवा डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख के छोड़ देंगे। चलिए मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए रखी थी आयरन का तवा डाल के और फ्लेम को बंद कर दी मैं। ऐसा चकने पर तेल लगे हुआ रहता, दम होगी बिरयानी और डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह चावल बहुत अच्छा बना, खिला खिला बना दे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बना चावल, खिला खिला। ये बिरयानी मज़े में भी बहुत अच्छी रहती और बनाने में भी बहुत आसान रहती। इसमें चिकन को गलाना, मैरिनेशन करना, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता। सिर्फ 65 बनाना और चावल स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन बिरयानी का जब शुरू करते हम, जब भी धो लेना चावल उतने टाइम में 20 मिनट्स में ही सब तैयार हो जाता, इसलिए स्टार्टिंग में चावल धो लेना। अच्छी खुशबू चलिए जो मैं अलग से 65 थोड़ा फ्राई कर ली थी वो भी इसके साथ रख देंगे। और थोड़ा सा करियापा जो फ्राई करी थी और हरी मिर्ची। चलिए मेरी 65 चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आप बहुत पसंद आएंगी। जी मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।